Hello children, welcome to TMPS online classes. Today we are going to begin with chapter 15 of English literature. It is Get Plays a Joke and the writer is R.K.D. Giger. So in this chapter we are going to talk about Get is a boy and his brother Chok. So Chok and Get, these are two brothers. And this story has been taken from the famous novel, which is Chok and Get. So, in this story, we are going to talk about what all adventures the children go through. Kya adventures ye children face karte hain, and whatever happens in this story is really very interesting. So, Chok and Get are brothers who lived in Moscow in London. ये दोनों ब्रदर्स हैं एंड दे लिव्ड इन मॉस्को इन रशिया विद देयर मदर. वो अपने मदर के साथ रहते थे. द यंग फैमिली ट्रेवल्स टू स्नोई साइबेरिया और मदर अपने दोनों चिल्ड्रन के साथ साइबेरिया जाती है. वेयर द बॉयज फादर वर्क्ड, सो देयर फादर वर्क्ड इन साइबेरिया एंड दे जस्ट वेंट देयर टू स्पेंड द न्यू ईयर्स डे with them, with him, with his father. But when they reached there, जब वो वहां पहुंचे साइबेरिया, then they found that their father has gone for 10 days. 10 days के लिए इनके father अपने ड्यूटी पे कहीं जॉब की वजह से गए हुए थे. And the only person that could be found there was the watchman. Only watchman was there with his dog. They must now survive in a wild, unknown place with limited supplies. Or Siberia, एक ऐसी जगह जहां पे कोई भी नहीं रहता. Hardly you can find any people there because it is a very cold place. बहुत ठंड होती वहां पे. Their temperature is even below 0 degree. 0 degree से भी below temperature होता है वहां पे. So people don't stay there. वहां पे कोई नहीं मिलता. And this family, they have to survive there with limited supplies. वहां पे खाने को भी नहीं मिलता और supplies, जो भी आपके day to day need, जो भी चीजें हैं वो बहुत मुश्किल है वहां पे मिलना. So if you were there in this situation children, then what would have you done? अगर आप में से कोई इस situation में होता at such a place like Siberia, तो आप क्या करते? क्या वहां एक्साइटेड फील करते और स्केयर्ड फील करते? सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी. ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फोर्थ डे मदर हैड टू चॉप फायरवुड हरसेल्फ. अभी देखिए 4 days इन्होंने स्पेंड किया है. नाउ मदर हैज टू चॉप द वुड्स टू मेक फायर. फायर जलाने के लिए मदर को खुद वुड्स चॉप करना पड़ा. तो पहली टाइम में हमने देखा कि सप्लाईज कितनी लिमिटेड है वहां पे, चीजों की कितनी कमी है. दे हैड ईटन द हेयर लॉन्ग अगो एंड द मैगपाइज हैड पिक्ड द बोन्स क्लीन. और ये फैमिली ने बहुत टाइम पहले ही एक हेयर खाया था. हेयर इज अ वाइल्ड रैबिट. वाइल्ड रैबिट को हेयर बोलते हैं. एंड इट्स बोन हैज ऑल्सो बीन ईटन बाय मैगपाइज. मैगपाइज आर द बर्ड्स विच स्टे देयर. साइबेरिया में मैगपाइज बर्ड्स रहती हैं. दे आर ब्लैक एंड व्हाइट विथ अ लॉन्ग टेल एंड दे हैव वेरी श्रिल साउंड. जब वो उनका साउंड कैसा है, दे हैव अ नॉइजी क्राय. बहुत तेज श्रिल वॉइस होती है इन बर्ड्स की. ऑल दे हैड फॉर डिनर दैट डे वॉज पॉरेज एंड अनियंस. और उस दिन उन्होंने डिनर में क्या खाया? ओनली पॉरेज एंड अनियंस. पॉरेज का मतलब दलिया एंड अनियंस. द ब्रेड वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड बट मदर फाउंड सम फ्लोर एंड बेक अ फ्यू बिस्किट्स फॉर देम. मदर ने क्या किया? उस दिन ब्रेड भी नहीं था. देन मदर जस्ट बेक फ्यू बिस्किट्स फॉर देम. थोड़े से बिस्किट बेक किए मदर ने. आफ्टर दैट एन गेट फेल्ट वेरी लो एंड मदर वंडर्ड इफ ही हैड टेम्परेचर. उस दिन गेट को कैसा लगा था? बड़ा उसकी तबीयत खराब लग रही थी. देन मदर फेल्ट एंड शी फाउंड दैट ही हैज फीवर. उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ था एंड गेट हैज फीवर. शी ऑर्डर्ड हिम टू स्टे होम. और गेट को उसकी मदर ने कहा घर पे ही रुकने को. देन
she dressed chook. Two duck pails and a little sleigh. And the two went out for water and to gather twigs to start the stove in the morning. तो चुक को रेडी करके मदर घर से बाहर निकली. She took pails, buckets. Meaning of pails is buckets. She took buckets along and she put these buckets on a sleigh. Sleigh क्या होता है? Sleigh is the carriage which is drawn over the snow. Snow के ऊपर उसपे हम सामान कैरी करने के लिए यूज करते हैं स्लेग. As you can see in the picture, there is a small picture given where you can find it. The sleigh is there in the picture. So they went out to bring water and twigs from the forest. So Get was left alone. Or Get घर पे अकेला ही रहा. He waited and waited. Then he grew restless. वो वेट कर रहा था. काफी टाइम बीत गया. Then also mother and Chuck didn't return. तब वो क्या हुआ? तब वो वरी होने लगा. वो उसको घबराहट होने लगी. Chuck and mother were gone for some time. On their way back, the little sleigh with the pails of water overturned, and they had to go back to the spring. और जब ये Chuck और mother वापस आ रहे थे buckets fill करके, then what happened? Sleigh जो था वो overturn हो गया, पलट गया. और जो बकेट्स में वाटर फिल था वो पूरा का पूरा गिर गया. देन चुक एंड मदर दे हैव टू गो बैक अगेन टू फिल वाटर. उनको वापस जाना पड़ा स्प्रिंग के पास टू फिल द वाटर. देन हाफ वे होम दे डिस्कवर्ड दैट चुक हैड लेफ्ट वन ऑफ हिज मिटन्स इन द फॉरेस्ट. और जब वो आ रहे थे हाफ वे, जब उन्होंने कवर कर लिया था, देन व्हाट दे फाउंड, उनको क्या पता चला कि चुक का मिटन कहीं छूट गया है रास्ते में. मिटन इज द ग्लव. ग्लव को मिटन से बोलते हैं. देन अगेन दे टर्न बैक. तो उनको फिर से वापस जाना पड़ा. इन द मीन टाइम डस्ट फेल. और इतनी देर हो गई थी कि अब डस्ट हो गया था. डस्ट इज द इवनिंग टाइम. डस्ट वो टाइम होता है जब सन ऑलमोस्ट सेट हो चुका रहता है और हल्का हल्का सा अंधेरा रहता है. मीन्स आप हल्का हल्का सा देख सकते हैं उसमें, बिना टॉर्च के भी आप थोड़ा थोड़ा लाइट होती है आप देख सकते हैं. सो डस्ट का टाइम हो गया था और ट्वाइस दे हैव टू गो बैक. दो बार उनको वापस जाना पड़ा था. तो ज्यादा टाइम उनका स्पेंड हो गया था. देर हो गई थी बहुत. वेन दे गॉट होम एट लास्ट गेट वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. एंड वेन मदर एंड चुक रिटर्न होम व्हाट दे फाउंड, वहां पे गेट कहीं था ही नहीं घर पे. फर्स्ट दे थॉट ही वॉज हाइडिंग अंडर अ पाइल ऑफ शीप स्किन्स ऑन द स्टोव बंक. उनको पहले क्या लगा कि गेट छुप गया है शीप स्किन के नीचे. शीप स्किन इज द स्किन ऑफ अ शीप विथ द वूल स्टिल अटैच टू इट एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग कोट एंड रग्स. शीप स्किन से क्या होता है, कोट्स और रग्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. And it is used there in colder places. जहां पे बहुत ठंड होती है वहां पे sheep skin is used. And sheep skin has wool still attached to it. उसमें wool लगा ही रहता है. So they just searched there where the sheep skin was kept. वहां उनको नहीं मिला. Then on the stove bunk. Stove bunk का मतलब जब colder place होते हैं जहां पे, वहां पे stove is used to just heat up the room. And also to bake the food. Food बनाने के लिए भी stove का use करते हैं और गर्म करने के लिए भी उससे room पूरा गर्म भी हो जाता है. So that is stove which is made in colder places. And bunk is the bed for kids. जो बच्चों के लिए beds बने होते हैं उसको bunk बोलते हैं. But he was not there. वहां पे भी yet नहीं था. Chuck smiled slyly and whispered to mother's ear. That get of course was under the stove. अब जब स्टोव के ऊपर बंक में नहीं था गेट, देन चुप को लगा कि वो नीचे स्टोव के नीचे छुपा होगा. तो उसने मदर से विस्पर करके बताया. मदर grew very angry at that and ordered get to come out at once. जब ये पता चला मदर को, then she got very angry and she ordered get to come out of it. तुरंत ही वहां से बाहर आने को बोला मदर ने. बट गेट वॉज साइलेंट. लेकिन कोई आवाज रिटर्न में नहीं सुनाई.
Then Chuck took the long stove fork and began to poke about with it under the stove. तो stove का जो pin था, it is iron pin, लंबी सी rod होती जिससे stove का जब हमें flame बढ़ाना होता है तब use करते हैं. तो वो stick iron की rod लिया इसने Chuck ने और stove के नीचे उसने लगाया. Then no, Gek was not there. लेकिन वहां पे भी Gek नहीं था. Mother became really worried. अब मदर को बहुत चिंता होने लगी थी. She glanced at the nail near the door. Now she looked at the nail just that was near the door. जो door के पास nail थी, कील लगी थी. Meaning of glance is a quick look. यानी झटके से मदर ने nail की तरफ देखा. Gek's coat and hat were missing. और उस nail पे Gek के coat और hat दोनों नहीं थी. Now the worry is extended to a higher level. अब बहुत ज्यादा मदर डर रही थी. इसके आगे हम स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.